एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, यही है, ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर पोर। इसके बाहर में ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही दोनों के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। होता क्या है कि ये एक चेन लाइक मतलब सिस्टम होता है, नेटवर्क वाला एक सिस्टम है। कितने टाइप का होता है, इसका क्या काम है? तो देखो, ये जो मेम्ब्रेन और जितने भी मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल होते हैं उसमें से एक ये भी है। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन, जितने भी ऑर्गन हैं वो डिस्टिंग अलग अलग एक दूसरे से हो जाते हैं मेम्ब्रेन की वजह से ही। ऑफकोर्स उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग होता है। मेनी ऑफ दिस, इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंसीडर करते हैं टुगेदर एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। देखो यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो बता रही हूँ। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, द एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपरेटस यानी कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड, तो ये चारों चीज़ इंक्लूड करता है। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एबव कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लियर, सिंपल, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि गॉल्जी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में ये चारों चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क या फिर रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब पूरा स्टडी किए तो पता ये चला कि सेल के अंदर बहुत सारे नेटवर्क मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हेंस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है डिवाइड करता है इंट्रासेल्युलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट इज लुमिनल, ठीक है, लुमिनल मतलब जो कि इनसाइड होता है, और एक्स्ट्रा लुमिनल जो कि जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ER डिवाइड करता है किसको किसको, तो ER डिवाइड इंट्रासेल्युलर स्पेस इंटू टू कंपार्टमेंट, थ्री कंपार्टमेंट, फोर कंपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव, ऑफ कोर्स टू कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द ईआर ऑफन स्टोर राइबोसोम, राइबोसोम इज भी इसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसके आउटर सरफेस पे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के एब्सेंस में दे अपेयर स्मूथ, वो स्मूथ अपेयर होता है जिसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन, दे आर एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो ये वाला देख रहे हो राइबोसोम, इसके आउटर सर्फेस पर प्रेजेंट है, तो जिस सेल के अंदर ये वाला चीज़ ज़्यादा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाया जाएगा वो सेल प्रोटीन्स का सिंथेसिस और सेक्रीशन ज़्यादा करेगा। ठीक है, यही इस लाइन का मतलब हुआ। नाउ द दूसरा जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वेट आई विल शो यू। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का जो सिंथेसिस होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये देखो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कभी कभी क्वेश्चन ना इसके फिगर से भी आता है, तो फिगर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर जो लिपिड होता है, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER यानी कि इसके ऊपर सिंथेसाइज होता है। नाउ द सेकेंड इज गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी अपरेटस क्या है? तो कैमिलो गॉल्जी इन 1898 पहली बार ऑब्जर्व किया एक डेंस ऑप्टेन रेटिकुलम स्ट्रक्चर बियर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास इस स्ट्रक्चर को पहली बार ऑब्जर्व किया था गॉल्जी नाम के एक आदमी ने। कब किया था? तो 1898 में। दीज आर लेटर नेम गॉल्जी बॉडी आफ्टर हिम, आफ्टर हिम उसके बाद इसका नाम गॉल्जी बॉडी पड़ गया, इसको गॉल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, गॉल्जी बॉडी भी बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेपेड सैक,
बहुत सारे फ्लैट डिस्क सेपरेट स्टैक प्रेजेंट होते हैं जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, जिसका ऑफ 0.5 to 1 mm ऑफ डायमीटर, ठीक है। दीज आर, ये क्या करता है, तो दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं अरेंज। वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ना इसका जो सिस्टर्नी का जो नंबर है वो वैरी करता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सीस, यानी कि कन्वेक्स जो होगा उसको सीस बोलेंगे, जो कि फॉर्मिंग होता है जो उस इसका अपोजिट जो होगा ना फेस, जो कि कॉन्केव होगा, उसको हम लोग मैच्योरिंग फेस भी बोलेंगे, ठीक है, मैच्योर करने वाला फेस। द सी सेंटर ट्रांसफेस ऑफ ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, दोनों अलग अलग हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि एक देखो इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एक ये जो फॉर्मर हुआ इसको सीस बोलेंगे, जो इस साइड हुआ उसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। द गोल्जी अपरेटस, ये देखो जो गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, इसका मेन काम क्या होता है, तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, तो गोल्जी अपरेटस का मेन काम हो गया। टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रा सेल्यूलर टारगेट या फिर सेक्रीटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। द मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फॉर्म द ईयर फ्यूज विद द सीस फेस, और फिर वो गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, यानी कि पहले वो सीस फेस के, मान लो ये अगर सीस फेस है तो यहाँ आएगा और फिर वो इस साइड से निकल जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ आया और यहाँ से वो बाहर निकल गया। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो एसोसिएटेड रहता है, इसीलिए। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सीस टू ट्रांसफेस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस का इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के तुरंत बगल में इस तरह से प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके तुरंत बाद इस तरह से प्रेजेंट होता है गोल्जी अपरेटस। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोटीन वगैरह बनेगा वो इस साइड में जाएगा और यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, तो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड लाइसोसोम कहाँ क्या अच्छा लाइसोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस, यानी कि ये जो गोल्जी अपरेटस था ना, तो ये सीस फेस था, ये ट्रांसफर्स फेस, यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर निकला तो ये जो वेसिकल बन रहा है इसी को हम लोग लाइसोसोम बोलेंगे। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक, इसके अंदर ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसमें हाइड्रोलेज लाइपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये सब पचाने के लिए होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं। दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि खाना को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ऑफकोर्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का जो लास्ट फेज है वो है वैक्यूल। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड वो स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल इन कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या ऑल ऑफ द अबव, ऑफकोर्स ऑल ऑफ द अबव। द वैक्यूल इज बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, किस कैसा मेम्ब्रेन का बना होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट से क्वेश्चन आया हुआ है कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है वो उसका स्पेशल नाम क्या है, तो टोनोप्लास्ट है, ठीक है। इन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द टोटल सेल का जो वॉल्यूम है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट जो होता है फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड देयर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये ट्रांसपोर्ट करता है। हेंस द कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी देखो होता क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है कि मान लो ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा वैक्यूल हो गया, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे कम है यहाँ ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में ना जा रहा है, तो ये उल्टा चलता है, ठीक है, वही चीज़ है।
इन अमीबा, अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है और एक्सक्रीशन के लिए, जबकि इन मेनी सेल अदर सेल्स यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर फूड वॉक्यूल प्रेजेंट होता है जो इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम मतलब जो सिस्टम है वो। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।